टेस्ट कर रहे हैं मुंबई का फेमस वड़ा पाव। हम पहुंच चुके हैं त्रिमकेश्वर मंदिर और बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए। 7 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए। स्टैचू है साईं बाबा का, बहुत सुंदर सेल्फी पॉइंट बना रहे थे, रेडी आए थे और अभी जस्ट बहुत अच्छे दर्शन हो गए। तो अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था। हम लोग जा रहे हैं सनी सिंह का। ये किया हमने मिसल पाव। ये है यहाँ पे महाराज जी का मंदिर। ये तो करो अपना सिग्नेचर स्टेप। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया महाराष्ट्रियन थाली। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइज जस्ट अभी हम पहुँचे हैं, आपने देखा मुंबई थोड़ी देर पहले, और बस अभी हमने नहाया धोया, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करके सो गए थे और अभी फिलहाल 2 बज रहे हैं और आधे घंटे में गाड़ी आने वाली है। उसके बाद हम जाने वाले हैं बहुत ही अच्छे ट्रिप पे। दो दिन का हमारा ट्रिप है और नीचे गाड़ी आ चुकी है और आधे घंटे में हम यहाँ से निकल जाएंगे और हम जाने वाले हैं पहले यहाँ से शिरडी है त्रिम्बकेश्वर, तो वही हम कवर करने वाले हैं। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और बढ़िया बढ़िया आपको व्यू दिखाते हैं और बढ़िया बढ़िया आपको दर्शन करवाते हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ट्रिप में। हम सब जाने वाले हैं, पूरी फैमिली जा रही है। तो चलिएगा, इस सीधा मिलते हैं आपको आगे सफ़र में। थोड़े से बड़े बड़े पहाड़ शुरू हुए। बोलो, हम जवार घाटी के लिए प्रवेश कर रहे हैं। जवार घाटी। हाँ, जवार घाटी है। अच्छा, नासिक के लिए, नासिक वाली रोड पे आ गया। सो गाइस, अभी जवार आने वाला है और पूरा रास्ता ऐसे पहाड़ी रास्ता है और नीचे आप देख सकते हैं, उधर आपको लोगों के गांव घर दिख रहे हैं। बढ़िया देखो, बहुत ही सुंदर रास्ता एकदम, ऐसा लग रहा पहाड़ों पे आ गए। गांव की याद आ गई। चल रहा पपीता, पपीता खा के पपीता। सब्जी इधर से जाती है इसके आगे से। सो गाइस, हमें 2 घंटे हो चुके हैं निकले हुए और देखते हैं आगे कहीं चाय के लिए या कहीं वड़ा पाव मिला तो उसके लिए कहीं पे हम रुकते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। ये क्या डाला गया था कहीं? लेमन ग्रास है ये पत्ते। तो ओके उसकी चाय मिलती है। देखिए, इस पत्तों की चाय बन रही है, बोलते काउते गाउटे गाउटी 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 चाय। अच्छा 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 अच्छा, उस पत्ते से बनती है। हाँ, मसाला हो गया एक तरीके से। हम टेस्ट कर रहे हैं मुंबई का फेमस वड़ा पाव। एक चीज चटनी हो, मिर्ची कुछ तो चटनी बनाई है इन्होंने। ये है फ्राइड मिर्च और ये है बड़ा और पाव। इसमें डाला जाता है, ये इसमें डाली है चटनी। चाय पीने आए थे और बड़ा पाव तक आ गए हम। इसमें डालेंगे एक बड़ा मस्त सा। मिर्ची मारेगा क्या? चलो ठीक है, इधर से हम खाते हैं, टेस्ट करते हैं कैसे बना है वड़ा पाव। तो गाइस, यहाँ पे हाफ एन आवर के ब्रेक के बाद और मस्त चाय और वड़ा पाव खाने के बाद आपको मिलते हैं अब सीधा आगे। हम पहुँच चुके हैं त्रिमकेश्वर मंदिर और यहीं से बस हमें राइट जाना है और नंगे पैर हैं हम। यहाँ पे चप्पल हमने उतार दिए अपने और यहाँ से एंट्री है मंदिर की। एंट्री शुरू हो चुकी है और आपके लेफ्ट राइट में मार्केट लगी हुई है और सामने त्रिमकेश्वर मंदिर। और भीड़ तो कम ही लग रही है फिलहाल, बाकी तो अंदर जाके देखते हैं। मंदिर की
और आप देख सकते हैं यहाँ से क्यू है और पीछे आ रहे हैं सब। आज मुझे लग रहा है खाली है ना। चलो ये बढ़िया हो गया। वैसे वैसे ना काफ़ी भीड़ रहती है, बट लकीली आज भीड़ नहीं है। हाँ वरना ये क्यू है ना, यहाँ वेटिंग वाला बैठने का। मंदिर काफ़ी रश हो गया यहाँ पे। गाइस ये है त्रिंबकेश्वर मंदिर और बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हो गए। तो बाहर अंदर फोटोग्राफी करनी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको बाहर से ही यहाँ से दर्शन करा देता हूँ। गाइस ये देखिए, फाइनली हम पहुंच चुके हैं त्रिंबकेश्वर मंदिर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग है और इसकी बड़ी अच्छी मान्यता है। मैं आपको इसकी कहानी बताता हूं। कहानी ऐसी है कि भगवान शिव ने गौतम ऋषि जी को एक वरदान मांगने के लिए कहा, तो उस वरदान में गौतम ऋषि जी ने कहा कि उन्हें गंगा माँ को यहाँ प्रकट करना है। तो जब गंगा माँ प्रकट हुई तो उन्होंने कहा मैं स्थान पर तभी रहूँगी जब शिव जी भी यहाँ पर रहेंगे। जैसे यहाँ पर त्रिंबकेश्वर मंदिर है जहाँ पर भोले बाबा जी का स्थान है। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक महत्वपूर्ण लिंक है जो कि मुंबई नासिक में है। सो गाइस यहाँ से बढ़िया से दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी बज रहे हैं इस टाइम 7:30 और करीबन 2.5 घंटे का और रास्ता है सिद्धी का और हम पहुँच जाएंगे, आई थिंक 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे और चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं शिरडी और 10 बजे हम पहुँच चुके थे। फिर उसके बाद हम डिनर करने बाहर चले गए, तो डिनर करके फाइनली हम अपने रूम पर आ गए और काफ़ी थक चुके हैं और बस अब फटाफट सोते हैं क्योंकि सुबह 5:30 बजे आरती शुरू होगी और उसके लिए हमें फटाफट लाइन में लगना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग गाइस सुबह के अभी करीब 7 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं दर्शन के लिए और बस यहाँ तक हमने इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, फोन अभी ये लोग रख लेंगे, इसके बाद फोन अलाउड नहीं है। तो अभी चलते हैं और बाकी देखिए सामने बहुत अच्छी साई बाबा की वहाँ पे स्टैचू है, साई बाबा का बहुत सुंदर। और यहाँ से एंट्री है और चलते हैं यहाँ से अंदर। सामने वहाँ पे शॉप्स लगी है, वहाँ से आप प्रसाद और आरती की थाली वाली और जो भी चादर वादर है वो यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ से एंट्री है इसकी। और यहाँ पे देखिए गाइस काफ़ी भीड़ अभी शुरू हो चुकी है और धूप भी बहुत तेज़ आ रही है, तो मैंने कहा एक बार आपको दिखा दूँ क्योंकि फिर अंदर आके दिखाने के लिए है नहीं। वहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो? हाँ। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना रहे थे। अच्छा नहीं वैसे और यहाँ पे गई ये शॉप्स लगी हुई हैं, ये क्या देख सकते हैं। सो गाइस जस्ट अभी हम दर्शन करके आए हैं, रेडी आए थे और अभी जस्ट बहुत अच्छे दर्शन हो गए। तो अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं था इसीलिए हमने ब्लॉग नहीं शूट किया, है ना। कैसा लगा नीमा आपको दर्शन करके? अच्छा लगा। तो मम्मी पापा उस साइड है, वो लोग अभी प्रसाद ले रहे हैं, उसके लिए भी थोड़ी सी लाइन लगी हुई है। तो हम लोग जस्ट आ गए थे, हमने कहा थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर देते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं और पीछे यहाँ पे लाइन लगी है, यहाँ से लोग अंदर जा रहे हैं गेट नंबर से। तो गाइस यहाँ से हम दर्शन करके रेडी से दर्शन वर्शन करके बढ़िया निकल गए। पापा आप कहाँ जा रहे हैं हम नेक्स्ट? हम लोग जा रहे हैं शनि सिंगापुर। अच्छा अच्छा, तो वहाँ किसका मंदिर है? वहाँ पे शनि भगवान का। अच्छा तो कितनी देर में पहुँच जाएंगे वहाँ पे? वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे 1:07 में अभी। अच्छा और अभी हम कहाँ पे? नासिक। ये नासिक में। अच्छा से थोड़ा आगे। हाँ हाँ 1 घंटे में पहुँच जाएंगे मैं। कैसा लगा आपको यहाँ दर्शन करके? आप कितने कौन से टाइम आ रहे? फर्स्ट टाइम आ रहे हो? नहीं नहीं मैं तो 3-4 टाइम आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। इस बार सबसे कम लाइन लगती थी। हाँ इस टाइम तो बहुत कम लाइन थी, है ना। और टाइम तो हमेशा भीड़ रहती है। भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है। इस टाइम तो बड़ी जल्दी दर्शन हो गए। हाँ 1 घंटे में दर्शन हो गया। इस बार मैं आया था ना। हाँ इसीलिए जल्दी दर्शन हो गए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और यहां से है मराठा निगम मंत्रा कड़े वे टू टेम्पल। पहुंच चुके हैं शनिदेव महाराज जी का ये मंदिर, आप देख सकते हैं।
यहाँ से एंट्री है इसकी। ये है एंट्री मंदिर की, यहाँ से भी एंटर कर रहे हैं भाई। हैं सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो ये हमने अभी ऑर्डर किया। ये किया हमने मिसल पाव, नहीं नहीं टेस्ट तो करो, नहीं नहीं मेरे को ये, तो ये पाव है और ये किसी की सब्जी है, नहीं इसमें डाला क्या क्या है, इसमें डाला है नमकीन वगैरह। अच्छा नमकीन और सब्जी किस चीज़ की, इसको क्या बोलते हैं मूंग, मूंग मटकी और प्याज और ये आपका नींबू। तो चलिए टेस्ट करते हैं उसको। फलन ऑर्डर किया है बड़ा पाव, बड़ा पाव जस्ट अभी हम पहुंचे हैं त्रिम्बकेश्वर, नासिक में ही अभी हम, और यहाँ पे अभी हम अपना लंच करने के लिए रुके हुए हैं। बड़ा एकदम महाराष्ट्रियन फील दे रहा है यहाँ पे, आमरस देखिए जेठालाल में देखा है, और यहाँ चलते हैं और मस्त खाते हैं कहीं। ये देखिएगा अभी यहाँ से करीबन 2.5 घंटे का रास्ता और बचा है घर का। वाह ये बड़ा अच्छा लगा पानी का बोल। चलिए महाराष्ट्रियन थाली, और अभी हमने खाई और अभी हमने थोड़े टाइम पहले वो खाया था मिसल पाव, बहुत स्वादिष्ट और मज़ा आ गया मिसल पाव खा के, साथ में वड़ा पाव और चाय, तो मज़ा आ गया। चलो जो मिले वो खाएंगे। चलिए जी और देखते हैं यहाँ पे इस बार क्या मिलता है, और बढ़िया सा लंच करते हैं और फिर सीधा निकलते हैं कहाँ, खर। क्या क्या है खाने के लिए, महाराष्ट्रियन थाली, मसाला भात, पिट्ठल, क्या क्या नाम है, थाली पीठ, ये आमरस, देखते हैं क्या इस बार हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे इस एंट्री पे देखिए आप गणपति बप्पा, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति देखिए। यहाँ पे आके ऐसे पूरा ऐसा लग रहा है महाराष्ट्रियन टच आ रहा है, पूरा उसी कल्चर में ऐसा लग, किसी गांव में आ गया पूरा। इन्होंने जो यहाँ पे पूरा रेस्टोरेंट है, इन्होंने ऐसा फील दे रखा है कि जैसे आप किसी मम्मी के हाथों का खाना जैसा कुछ कर रहे हैं। हाँ जैसे चूल्हे पे बनता है, गांव में बनता होगा जैसे ठीठ है। हाँ भी तो वही दिया उन्होंने क्या, हाँ आइचा संसार, आइचा संसार मतलब मम्मी का संसार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वहाँ पे आई थिंक गौशाला भी है सामने, पूरा उन्होंने बिल्कुल इतना अच्छा फील दिया है, इतना सुंदर देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत है यहाँ पे इन्होंने पूरा गांव में झूल रहे झूला। ये तो करो अपना सिग्नेचर स्टेप, यहाँ झूलने के लिए मस्त है, यहाँ पे पूरा ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ें हैं। यहाँ पे पूरा ट्रेडिशनल ट्रॉफीज भी हैं स्टाइल में, देखिए। और ये आई थिंक ये है लौकी, यहाँ पे लटक इनको बना रही है पूरा ट्रेडिशनल स्टाइल में, चक्की भी रखी हुई है इनको बना रही है, मस्त हो गया यार। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया महाराष्ट्रियन थाली, और मुझे तो समझ में आ नहीं रहा क्या क्या है, तो नीमा बताएगी। नीमा क्या क्या है, कौन सी है बताओ,
पूरन पोली ओके महाराष्ट्रन चावल अच्छा भजिया बोलते हैं ये है पापड़ अच्छा और ये मिर्ची का ठेसा ओके ये है मसाला भात ये है रोटला ये थाली पीट थाली पीठ हाँ ये नॉर्मल रोटी ये दाल और ये कुछ तो करी है ये करी है हाँ और ये है आमरस मस्त है टेस्ट कैसा है मस्त एकदम मस्त है ये फर्स्ट टाइम टेस्ट किया आमरस नहीं खाया अच्छा है आपने कभी खाया नहीं मैंने टेस्ट भी कर लिया आमरस आपके यहाँ नहीं बनता कभी घर पे तो बनता होगा ना क्यों नहीं बनता होगा नहीं बनता जबरदस्त है ये करी बहुत अच्छी है क्या बोलते हैं हाँ वो अंदर पूरा पूरा बिरयानी का तो गाइस मस्त सा लंच होने के बाद और बढ़िया महाराष्ट्र थाली खाने के बाद हम सीधा निकलते हैं घर के लिए अभी बज रहे हैं 4 और अभी अराउंड 2:30 घंटे का रास्ता हमारा बचा है अब मुझे आ रही है 35 मिनट तो सीधा जाते हैं परसर अभी जस्ट घर पहुंचते ही अभी नीमा और मैं आए हैं जूडियो और अभी टाइम हो रहा है 7 बजे हम घर पहुँचे और आते हम जूडियो आ गए क्योंकि मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी तो यहाँ पर जूडियो आ गए शॉपिंग करने के लिए देखते हैं क्या क्या लेती है मैडम अच्छा लग रहा है पहले नीमा देख रही है उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कुछ अपने लिए सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं घर और काफ़ी थक गए हम 7 बजे पहुँच गए थे उसके बाद थोड़ा जूडियो गए थे और वहाँ से आते आते हमें बज गए 8 और अब फुल ऑन बॉडी थक चुकी है खाने का कुछ मन नहीं है सीधा घर आए अब फ्रेश व्रेश होते हैं नहाते हैं और सोते हैं और बाकी फिर आपको मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में और आई होप कि आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा आप लोगों ने दर्शन किए होंगे त्रिमकेश्वर मंदिर के और शिरडी के अनी सिंगड़ापुर मंदिर गए थे हम जो कि नासिक पुणे में पड़ता है तो आई होप कि आप लोगों ने भी हमारे साथ दर्शन किए होंगे तो चलेगा इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये ब्लॉग कैसा पसंद आया तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बाय